आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक कढ़ी। हमने अंडा ले लिए, चार अंडे ले लिए हैं मार्केट में से जाकर। दो उसके लिए चाहिए अंडे, दो प्याज, तीन प्याज, दो टमाटर, अदरक, मीट मसाला एंड हाई लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। उसके लिए फिर नमक, ये नमक का डिब्बा है। हम लोग, हमारे पास ज़्यादा सामग्री नहीं होती है, आसानी से देखिएगा कैसे बना देंगे। फिर हल्दी और सरसों का तेल, बस यही चाहिए। ये उबला हुआ अंडा है, उसको पहले छीलेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। पहले इसको अच्छे से छीलेंगे। छीलने के बाद अपना प्याज और काटेंगे। तो हम लोग अंडा को ऐसे फोड़ लेंगे, इसका छिलका निकालेंगे, इसका छिलके ऐसे निकाल लेंगे। हमने अंडे को छील लिया और प्याज काटेंगे। प्याज को पहले ऐसे अच्छे से छील के प्याज को ऐसे बारीक काटेंगे कुछ इस तरह से। रुके, दिख नहीं रहा होगा, देखिए कुछ इस तरह से। प्याज को ऐसे ऐसे ही काट लेंगे आसानी से। प्याज मैंने काट लिया है, अब देख सकते हैं। अब टमाटर को ऐसे ही काट लेंगे, इसको साइड करके टमाटर को इस तरह से। टमाटर को जरूरी नहीं कि महीन काटे, क्योंकि वो गल जाता है। खराब था। अब अदरक को एकदम छोटे छोटे पीस में ऐसे ऐसे करके काट लेंगे, क्योंकि कूटने वाला सामान मेरे पास है नहीं। जो कोई भी देखे भाई, ये चैनल सब्सक्राइब कर दे, अच्छा लगे तभी करना, नहीं तो
मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छा लगे तो कर देना, ऐसे ऐसे करके छोटे पीस में। काट लेंगे, अब सारा सामान मैंने कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब चलेंगे इसको बनाने के लिए। कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे, अब इसको गर्म होने का वेट करेंगे हम लोग। एक बार गर्म हो जाए, कढ़ाई गर्म हो जाए, उसके बाद हम लोग तेल डालेंगे। मैं सरसों का तेल यूज करता हूँ, ये वाला। हमें लग रहा है गर्म हो चुका है, अब सरसों का तेल डालेंगे इसमें। मैं थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ क्योंकि अभी भुनना है वो अंडे को। गर्म हो चुका है तेल भी हमें लग रहा है, अब इसमें अंडा डाल देंगे। जो अंडा हमने उबला हुआ रखा था वो धीमी आंच पहले करेंगे, कुछ इस तरह से। आज तेज है तो धीमी हो गई, अब डाल देंगे इसमें अंडा अपना। अंडा डाल दिए, अब इसको भूनेंगे अच्छे से। भूनने के बाद निकालेंगे, इसको पहले भून लेंगे। इस तरह से अंडा हमारा भून चुका है। अब इसी तेल में अपना प्याज डालेंगे, इसके पहले थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें, क्योंकि तेल हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल डाल देंगे बस। अब इसमें प्याज डालेंगे अपना। प्याज डालने के बाद ऐसे चलाएंगे, प्याज भून चुका है हमें लग रहा है। मैं ज़्यादा नहीं भूनता हूँ प्याज को, क्योंकि तो प्याज ऐसे भी खा इंसान खा सकता है। अब टमाटर अदरक जो है वो डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से इसे चलाएंगे। टमाटर से अच्छे से गले, इसके लिए पहले हम लोग ये नमक डाल देंगे। टमाटर डालेंगे, नमक डाल देंगे कि अच्छे से गलता है टमाटर प्याज, और दोनों को मिक्स कर देंगे। पता से हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से कर दिया है। अब हम इसमें अच्छे से, हमें लग रहा पक गया, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी एक चम्मच, इससे फिर अपना जो मैंने मीट मसाला लाया था राजेश का, उसका
अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। आप लोग देखते रहे कि जब नीचे पकड़ने लगे तो आप लोग पानी डाल दीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा अभाव है सामान का। इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लाल मिर्च जो पाउडर लाए हम लोग वो बाद में डालेंगे। हमने थोड़ा पानी डाल दिया था, नीचे पकड़ने लगा था, तो पैन डाल को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। ये लाल मिर्च पाउडर इससे कलर अच्छा आता है। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग बीच बीच में देखते रहिएगा कि चिपके ना, हल्का हल्का पानी डाल कर चलाते रहिए। इसे मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के बाद हम लोग इसमें इसमें जो अंडा रखे हैं वो डाल देंगे। ये हो गया है, अब इसमें हम लोग अंडा डाल देंगे अपना, ये वाला अंडा डाल कर इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया हुआ है। इसमें गलत लग रहा है, वो कैमरा क्वालिटी की वजह से, वरना ऐसे देखने में बहुत अच्छा आ रहा है। मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के बाद इसमें पानी ऐसे मिला लेंगे। ऐसे पानी मिला के पानी मिला लेंगे। उसके बाद 5 मिनट तक बस उबलने देंगे। वो हम लोग का अंडा करी तैयार है। किसी बर्तन से ऐसे ढक देंगे, 5 मिनट बाद देखेंगे तो हम लोग का अंडा करी तैयार है। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गई हमारी अंडा कढ़ी। अब इसको आप लोग जैसे चाहें, चावल के साथ रोटी के साथ जैसे खाना चाहें खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। धन्यवाद।